नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं एनओएस के जो अक्टूबर सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आई है एनओएस की तरफ से, उसके लिए आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसमें मैं आपको जो अक्टूबर सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट के बारे में, जो उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो एनओएस की तरफ से आई है और साथ में जो अप्रैल स्टूडेंट्स के जो कुछ डाउट्स थे वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अप्रैल स्टूडेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो उनके कुछ डाउट आ रहे थे, उनके जो डाउट आ रहे थे कि जो उनका टीएमए है वो अभी जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन। जैसे कि एनओएस की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि आप जो है अपना टीएमए ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो ऑनलाइन टीएमए अपलोड करने जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे रिगार्डिंग मैं भी आपको बता दूं, एनओएस ने ये बोला है कि अभी जो आप टीएमए ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो अभी जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। आप जो है कल फिर से ट्राई करिए और अगर आपको कल भी प्रॉब्लम आती है तो उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके लिए सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये वेबसाइट पर जो है आपका कुछ टेक्निकल एरर आ गया है वेबसाइट पर, जो है ना उसके जब भी आप टीएमए अपलोड करने जाते हैं तो इससे रिगार्डिंग एनओएस ने कहा है कि ये जो टेक्निकल एरर है वो जल्दी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, वेट कर लीजिए, कल फिर से ट्राई कीजिएगा और आपका कल जो है आपका टीएमए अपलोड ज़रूर से हो जाएगा। और जो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ये भी डाउट आ रहा था कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे या ऑफलाइन ही होंगे या फिर एग्ज़ाम कैंसिलेशन होने के भी कोई चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो सिचुएशन जो एनओएस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं लिए जाएँ। आपके एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाए, एनओएस की तरफ से पूरी कोशिश है कि ये सिचुएशन ठीक हो और आपके एग्ज़ाम्स जो है ऑफलाइन लिए जाए, क्योंकि अभी भी एनओएस के पास कोई और साधन नहीं है जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन लिए जा सके। अगर सिचुएशन अगर ख़राब होती है, फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपका ऑनलाइन भी डिसाइड किया जा सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन कैसे लिए जाएंगे उसके लिए भी जो है आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे ही एनओएस की तरफ से आती है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अभी जो आपके एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात है तो अभी आपके एनओएस के जो एग्ज़ाम कैंसिल हैं वो नहीं होंगे। ये थे थोड़े बहुत जो डाउट थे एनओएस की तरफ से, मैंने पूरे डाउट जो है क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन अभी भी कोई डाउट रहता है एनओएस के जो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। साथ में अब जो बात कर लेते हैं जो अक्टूबर वाले सेशन का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। जो एनओएस की तरफ से बताया जा रहा है उनका जो रिज़ल्ट है, उनका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जल्द कितना जल्द, तो आपके जो है 12 से 13 जनवरी के आसपास जो है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो एनओएस की तरफ से इन्फॉर्मेशन है आपका जो है 15 जनवरी से पहले पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करने की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका रिज़ल्ट जो है 12 से 13 जनवरी के आसपास कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख पाएंगे और उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी कि आपका अक्टूबर सेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसके लिए जो है ज़रूर से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।